हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल पे से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी गूगल पे चलाते हैं और गूगल पे से ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से हर वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एक घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फोन से गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल पे का होम पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है ट्रेन। इतना ही आपको टाइप करना है ट्रेन, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर आपको मिल रहा है ट्रेंड्स बुक ट्रेवल, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस में आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं और टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हमें जाना है छपड़ा से सिवान, तो हम फॉर्म में टाइप करेंगे छपड़ा। छपड़ा के शॉर्ट फॉर्म भी इस तरह से हम लिख सकते हैं या डायरेक्ट छपड़ा के छपड़ा भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे छपड़ा का छपड़ा लिखते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है सबसे ऊपर छपड़ा CPR। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जाना है सिवान, तो सिवान का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, और नहीं पता है तो आप सिवान का सिवान भी लिख सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ आपको टाइप करना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिवान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ऊपर आ चुका है सिवान SB, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आप कितने तारीख को सफ़र करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हमें 15 तारीख का टिकट बुक करना है, तो यहाँ से हम 15 तारीख को सेलेक्ट करते हैं। इसका डोंट के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कोटा सेलेक्ट करना है कि आप किस में टिकट बुक करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप तत्काल बुक करना चाहें तो यहाँ से तत्काल भी आप बुक कर सकते हैं। हम इसको जनरल रहने देते हैं क्योंकि हमें जनरल बुक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो उस रूट की जितने भी ट्रेनें होगी उसका लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रेन का टाइम टेबल देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कोच में कितना सीट अवेलेबल है और उसका किराया कितना है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली ट्रेन का स्लीपर में 80 सीट अवेलेबल है, इसका 170 रुपये किराया है। और यहाँ पे थर्ड AC में 555 रुपये किराया है, 12 सीट अवेलेबल। इस तरह से फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस ट्रेन में टिकट बुक करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें फर्स्ट वाली ट्रेन में टिकट बुक करना है स्लीपर में, तो स्लीपर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना ISATC का यूजर आईडी डालना है। फ्रेंड्स, यदि आपने ISATC में अकाउंट नहीं बनाया है तो इस स्टोरी में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से ISATC में अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना ISATC का यूजर आईडी डाल दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल डालना है। फ्रेंड्स, सबसे ऊपर आपको नाम डालना है जिसके नाम से आप टिकट बुक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने नाम से टिकट बुक करना चाहते हैं तो हम अपना नाम यहाँ पे डालते हैं रुपेश कुमार। इसके नीचे आपको एज डालना है, हम डालते हैं 23। इसके नीचे आपको मेल प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉर्ड प्रेफरेंस अपनी चॉइस के चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अपर लोअर मीडियम, तो इसको हम इसी को रहने देते हैं। नो बर्थ प्रेफरेंस, यानी कि हमें कोई भी सीट मिलेगा चल जाएगा। इसके नीचे नेशनलिटी में इंडियन ऑलरेडी सिलेक्ट है। फिर यदि आपके साथ में और भी कोई पर्सन है सफ़र करने के लिए, उनका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है ऐड पैसेंजर पे, और इसी तरह से उनका भी आपको डिटेल यहाँ पे डालना है, नाम डालना है, एज डालना है, ये सब कुछ उनका डिटेल डाल देना है। और फ्रेंड्स, आपके साथ में कोई बच्चा हो चाहे उनका भी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है ऐड चाइल्ड, इस पर क्लिक करके बच्चा के भी आपको डिटेल डाल देना है। फ्रेंड्स, यदि बच्चा 5 साल से अधिक का है तभी उसका टिकट बुक होगा, यदि 5 साल का कम का है तो उसका टिकट बुक नहीं होगा। इसके फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। इसके नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, यानी कि फ्रेंड्स आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस डालना है। फ्रेंड्स, यदि आपको वहाँ का एड्रेस आपको पता नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एड्रेस डालना ही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको पता है जहाँ पर जा रहा है तो वहीं का एड्रेस डालिएगा। तो चलिए मैं एड्रेस यहाँ पर डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको एड्रेस डालना ही है, और सेकंड और थर्ड लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन में एड्रेस डाल दिए हैं छपड़ा, और सेकंड और थर्ड लाइन को छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डालते हैं। जैसे आप अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे तो आपके एरिया ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, बस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम पोस्ट ऑफिस को मैनुअली सेलेक्ट करते हैं बेलौर।
इसके बाद आपको सिंपल से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको इस पर टिक करना है। तो फ्रेंड्स आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए और आपको इस बॉक्स को टिक कर ही देना है। इसके नीचे फ्रेंड्स पूछ रहा है कि यदि आपका सीट कन्फर्म होगा तभी आपका पैसे कटेगा, तो इस बॉक्स को टिक करना है। नहीं तो आप वेटिंग में भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसको नहीं टिक करना है। तो फ्रेंड्स हम इसको टिक कर देते हैं। तो आपको सिंपल से नीचे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स आप पूछ रहे हैं कि आपको अपना IRCTC का पासवर्ड पता है कि नहीं। फ्रेंड्स यदि आपको अपना IRCTC का पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना IRCTC का पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें अपना IRCTC का पासवर्ड पता है तो इस बॉक्स को हम टिक करते हैं। यदि आपको भी अपना IRCTC का पासवर्ड पता है तो इस बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल किराया आप देख सकते हैं कितना रुपया लगेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना UPI पिन को डालना है। फ्रेंड्स UPI पिन को डालने के बाद में आपको राइट के लोगो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रेन का टिकट बुक हो जाएगा और यहाँ पे PNR नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप गूगल पे के थ्रू ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमें ट्रेन का टिकट बुक नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स हम पेमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ पे ट्रेन टिकट बुक हो जाएगा और यहाँ पे PNR नंबर सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप गूगल पे के थ्रू ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।